हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एमएसजी इंस्टीट्यूट. एज यू नो वेरी वेल, इट्स टाइम टू एंटर इन क्लास सेवन्थ मैथमेटिक्स. सो लेट्स रिज्यूम फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर एंड टुडे वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 3 ऑफ क्लास सेवन्थ मैथमेटिक्स. एंड एज यू नो वेरी वेल, दैट इज वी आर स्टार्टिंग यूनिट फर्स्ट इंटीजर्स. सो लेट्स रिज्यूम फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस. बेटा अभी तक 2 लेक्चर हुए हैं आपके, और फर्स्ट लेक्चर जो था मैंने आपको उसमें इंटीजर का इंट्रोडक्शन दिया था, इंटीजर्स क्या होते हैं. उससे पहले रियल नंबर सिस्टम क्या होता है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, और इन पर किस तरह से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो हमें पता होना चाहिए. ठीक है बेटा, क्लियर. और फिर मैंने आपको बताया था कि इंटीजर को कैसे डिनोट करते हैं. अगर अबव है, हाइट है, तो पॉजिटिव इंटीजर होगा. अगर डेप्थ है तो नेगेटिव इंटीजर होगा. अगर आप पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो प्लस होता है, और विड्रॉ करते हैं तो माइनस होता है. ठीक है बेटा जी, क्लियर. सो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बना के कराए थे ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से. क्लियर, ओके बेटा. और मैंने बताया था आपको डिस्टेंस, जब भी डिस्टेंस की बात करेंगे तो पॉजिटिव होगा. और अगर हम डिस्टेंस को इंटीजर में डिनोट करते हैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो अपने घर से ईस्ट की तरफ जा रहा है तो हम पॉजिटिव मानेंगे. अगर वही पर्टिकुलर पर्सन अपने घर की तरफ वापस आएगा तो हम नेगेटिव मानेंगे. ठीक है बेटा, ईस्ट टू वेस्ट पॉजिटिव, और वेस्ट टू ईस्ट नेगेटिव, लेकिन डायरेक्शन ऑलवेज विल बी पॉजिटिव. ठीक है बेटा, तो लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था इंटीजर का इंट्रोडक्शन, देखा था इंटीजर क्या होता है. इंटीजर बहुत बार बता चुका हूँ, 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया इंटीजर को, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड 0. बेटा नेगेटिव इंटीजर -1 से लेके -इनफिनिटी तक होता है, पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5 से इनफिनिटी तक होता है, और 0 भी एक इंटीजर होता है, लेकिन ना वो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है. फिर हमने नंबर लाइन पर डिनोट करना सीखा, वो हमें आता है, 6 क्लास से ही आता है. ओके, फिर मैंने आपको बताया एडिशन, इंटीजर के एडिशंस के बारे में. तो एडिशंस तो सभी को आता है, बहुत ईजी है. तो बेटा जी आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं इंटीजर का सब्ट्रैक्शन. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर. चलिए बेटा करते हैं कुछ क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन से. और सबसे पहले आप ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए. क्वेश्चन नंबर 1, मुझे यकीन है कि आप 1 सेकंड से भी कम में इसका आंसर दे दोगे. तो बेटा 11 माइनस 7 क्या होगा? 4, ये तो हमें बचपन से आता है. अभी 7 माइनस 11 क्या होगा? बेटा देखो 11 माइनस 7 क्या होगा? 4 होगा. क्लियर, तो 7 माइनस 11 क्या होगा? सर 7 में से तो 11 जा ही नहीं सकता है. बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल सही है. लेकिन बेटा 7 में से 11 जाएगा, लेकिन जाएगा कैसे? ये देखो, एक प्लस है, एक माइनस है. बेटा मैंने बताया था कि प्लस को शो करना जरूरी नहीं होता. अगर कहीं पे प्लस का साइन नहीं है तो हम प्लस ही मानते हैं उसको. तो 7 में से 11 कैसे जाएगा? तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है. ये तो बड़े में से छोटा तो डायरेक्ट 4 आ गया, तो 7 में से 11 कैसे जाएगा? आप क्या करेंगे बेटा जी, यहाँ पे आप 11 में से 7 माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे. 11 में से 7 करेंगे, कर दिया 11 में से 7 कर दिया, क्या आया? 4 आया. लेकिन बेटा हाइयर साइन किसका है? हाईएस्ट साइन किसके पास है? 11 के पास, 7 के पास. हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 11. तो 11 का कौन सा साइन है? माइनस. छोटा 7 है, इसके पास तो प्लस है. हमें तो हाईएस्ट नंबर का साइन देखना है, तो माइनस वाला साइन लगाएंगे. ठीक है बेटा, क्लियर. फिर से मैं बता देता हूँ, 7 माइनस 11 है. बेटा 7 में से तो 11 जाएगा नहीं, हम 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो 4 आ गया. लेकिन कौन सा नंबर लगाएंगे, कौन से नंबर का साइन लगाएंगे? हाइयर नंबर का. तो 11 है तो माइनस आ जाएगा. ठीक है बेटा, क्लियर. क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा. आई होप क्लियर हो गया होगा. ठीक है बेटा, फाइन. अब आते हैं यहाँ पे, देखो बेटा -7 और -11. तो बेटा -7 है और -11 है, ये क्या करेंगे? 11 और 7 18. तो बेटा ये ऐड करते हैं. क्या करते हैं हम, जब भी सेम साइन होता है तो उसको ऐड करते हैं. क्या करते हैं? ऐड करते हैं. -11 -7 ऐड करते हैं, लेकिन दोनों में साइन कैसा है? नेगेटिव. तो बेटा नेगेटिव आएगा. तो बेटा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. ओके, क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. चलो और करते हैं ताकि और प्रैक्टिस हो. तो बेटा देखो, आपके पास ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, बस ये 4 क्वेश्चन सीख लो और आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी. और
देखो बेटा यहाँ पे देखो, 11 प्लस 7 पता है ना आपको, 11 प्लस 7, 11 प्लस 7, 11 प्लस 7 बेटा देखो, 11 प्लस 7 ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ठीक है ना। प्लस का साइन शो नहीं करते, मैंने आपको भी बताया था। प्लस 11 प्लस 7 सेम साइन है ना, सेम साइन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सेम साइन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखो बेटा, 11 प्लस 7 18, ठीक है, ये भी सेम साइन है, सेम साइन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे प्लस का साइन था तो यहाँ पे प्लस का आ गया, सेम साइन में हमेशा ऐड करते हैं। 11 प्लस 7 18 आ गया, 11 प्लस 7 18 आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस का है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। यहाँ पे प्लस का साइन था तो यहाँ पे प्लस का आ गया, और यहाँ पे सेम साइन था ऐड किया लेकिन माइनस लगाएं क्योंकि माइनस का साइन था। सही है बेटा। अब 11 में से 7 तो माइनस कर दोगे, बिल्कुल कर देंगे। 11 माइनस 4 बेटा ये सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं हमेशा, अगर सेम साइन होंगे तो ऐड करेंगे, अगर डिफरेंट साइन होंगे, एक प्लस है एक माइनस है, एक माइनस है एक प्लस है, तो हमेशा डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। सो 11 माइनस 7 4 आ गया। अभी ये माइनस है, ये 7 है, तो डिफरेंट साइन है ना बेटा, डिफरेंस निकालेंगे। तो 11 और 7 का डिफरेंस क्या होगा, 4। लेकिन हायर साइन किसके पास है, 11 के पास, तो उसका साइन लगाएंगे, -4। ठीक है बेटा जी, क्या लगाएंगे, -4। एक बार मैं फिर से टेबल बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखना बेटा, ध्यान से देखना। ओके, इनको करते हैं बेटा सेम साइन। यहां देखो, सेम साइन ऐड, सेम साइन होगा, क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे। क्लियर, सेम साइन ऐड करेंगे, सेम साइन ऐड ऐड करेंगे। डिफरेंट साइन होगा, क्या करेंगे बेटा, डिफरेंट साइन के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिफरेंट साइंस के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। डिफरेंट साइन के लिए सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके फाइन। तो बेटा सेम साइन है, सेम साइन के लिए ऐड करेंगे, डिफरेंट साइन के लिए सब्ट्रैक्शन करेंगे। और साइन कौन सा लगाएंगे, कौन सा साइन पुट करेंगे, पुट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, पुट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, जो ग्रेटर नंबर होगा उसका हम साइन पुट करेंगे, पुट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ओके बेटा जी, पुट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो बेटा जी सेम साइन है तो ऐड करेंगे, 5 और 2 सेम साइन है, 7 हो गया, ठीक है। और बेटा साइन किसका है, ग्रेटर नंबर का। देखो सेम साइन है, -5 -2 7 हो गया, तो साइन किसका लगाएंगे, ग्रेटर नंबर का, -7 हो गया। अभी डिफरेंट साइन है ना, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 2 गया 3। लेकिन साइन कौन सा लगाएंगे, ग्रेटर नंबर का, -3। बेटा 5 और 2 का क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, 3 आ जाएगा। लेकिन साइन कौन सा लगाएंगे, ग्रेटर नंबर का, प्लस आ गया। तो बेटा ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है बेटा। बस इतना याद रखना है, सेम साइन में ऐड करते हैं, डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्शन करते हैं, और ग्रेटर नंबर का साइन लगाते हैं, ग्रेटर नंबर का साइन लगाते हैं, ठीक है बेटा जी। तो आप कर लोगे, अब आप इंटेलिजेंट हो गए हो। क्लियर, अब आप इंटेलिजेंट हो गए हो। जब आप इंटेलिजेंट हो गए हो तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 1, इट इज फॉर यू। जल्दी से 1 सेकंड में आंसर दे देने हैं आपको। बेटा ये 6th क्लास में भी आप पढ़ के आए हो, ठीक है बेटा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4। करते हैं इनको सॉल्व। बेटा क्या था, सेम साइन प्लस, डिफरेंट साइन माइनस। सेम साइन प्लस करते हैं, डिफरेंट साइन माइनस करते हैं, और साइन किसका लगाते हैं, ग्रेटर नंबर का। बेटा सेम साइन है ना, सेम साइन है, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 15 और 13 क्या होगा, 28, और किसका लगेगा, माइनस का, ठीक है। क्लियर, डिफरेंट साइन है ना, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 8 में से 3 गए 5, किसका साइन लगेगा, माइनस का। डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 29 में से 16 गए 13 बचते हैं, 13। ओके, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि 20 ग्रेटर है। 53 में से 63 गए, बेटा डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, 63 में से 50 गए 10। साइन किसका लगेगा, माइनस का। सिंपल, 1 सेकेंड में आंसर आ गया ना। सही है बेटा, क्लियर। सो सेम साइन प्लस करते हैं, ओके, और सेम साइन में प्लस करते हैं और डिफरेंट साइन में माइनस करते हैं, डिफरेंट साइन में माइनस करते हैं, ठीक है बेटा। क्लियर,
ओके ये याद रखेंगे आप, और सारे क्वेश्चन ऐसे होते चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा आपको। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, -70 + 60 - 13 + 21 - 5। ओके इसको देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ठीक है बेटा, क्लियर? तो चलिए करते हैं इसको। बेटा दो मेथड बताऊंगा इसके, फिर आप अपने आप ही पता चल जाएगा कौन सा आसान है और कौन सा यूज करना है। देखो बेटा, सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलो -70 + 60 बेटा डिफरेंट है ना, माइनस करेंगे 70 में से 60 गया 10, किसका साइन आएगा? -10 का। फिर ऐसे लिखते हैं, अभी हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सेम साइन है, पॉजिटिव होगा -23। सही है बेटा, -23 आएगा +21 - 5। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। बेटा डिफरेंट साइन है, क्या होगा? डिफरेंस होगा तो 2 आएगा -2। -2 - 5 सेम साइन है तो क्या होगा बेटा? 7 होगा, पर किसका होगा? माइनस का। तो क्या आ गया आंसर? 7 आ गया। आंसर क्या आ गया? 7 आ गया। तो देखा ना हमने कैसे किया, दो दो को लेके और उनको सॉल्यूशन करते क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया है। ठीक है बेटा, ये आपका फर्स्ट मेथड हुआ और आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। एक बार मैं फिर से बताया, तो -70 + 60 लिया, डिफरेंट साइन माइनस किया 10, जो साइन आएगा वो ग्रेटर नंबर का -10 -30, फिर ऐसे लिख दिया, फिर 10 -10 और -13 को लिया, सेम साइन पॉजिटिव हो गया, माइनस का साइन आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर का माइनस है। 23 + 21, फिर 23 और 21 का डिफरेंस लिया क्योंकि डिफरेंट साइन है, -2 - 5 - 7 आ गया। अभी सेकंड मेथड पे जाते हैं। बेटा क्वेश्चन क्या है? -70 + 60 - 13 + 21 - 5। बेटा हम इस मेथड में क्या करते हैं, सारे पॉजिटिव तो एक साथ लिख लो और सारे नेगेटिव एक साथ लिख लो। तो बेटा सारे पॉजिटिव एक साथ लिख लेते हैं, 60 + 21, और सारे नेगेटिव एक साथ लिख लेते हैं। सही है, 60 + 21 क्या होगा? 81। और बेटा इन सबको ऐड कर दो, सेम साइन है ना, ऐड कर दो, 70 + 13 83 83 5 88। सही है बेटा, अभी क्या होगा? ये प्लस का है, ये माइनस का है, डिफरेंट साइन है, तो क्या करेंगे बेटा? डिफरेंस लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा, -7। सही है बेटा, तो आपको क्या नोटिस किया आपने बेटा, ये मेथड भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सबसे बढ़िया कौन सा है? सबसे बढ़िया ये है जो आपकी स्पीड बढ़ाएगा, सेकंड मेथड। तो अडॉप्ट सेकंड मेथड टू सोल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है बेटा जी, क्लियर? सो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करते टाइम सेकेंड मैथड अडॉप्ट करना है। क्लियर बेटा? ओके फाइन। सो चलिए बेटा, तो ये आपका जो सब्ट्रैक्शन फिनिश हो गया है, तो आगे हम सब्ट्रैक्शन फिनिश हो गया, आपको समझ आ गया कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं। तो बेटा सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर कैसे करते हैं? 11 - 7। बेटा सब्ट्रैक्शन में आपको क्या है, 11 - 7 4 कर दोगे। बेटा सेम साइन प्लस करते हैं, सेम साइन प्लस करते हैं और डिफरेंट साइन माइनस करते हैं। ओके, लेकिन जो साइन हम लगाएंगे, प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे, वो ग्रेटर नंबर वाला साइन लगाएंगे। तो 11 - 7 4 हो गया, 7 - 11 डिफरेंट साइन है ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 7 गए, 11 - 7 गए 4, और किसका साइन लगाएंगे? 11 वाला, माइनस का। -7 - 11 सेम साइन है, पॉजिटिव होगा 18, साइन किसका लगेगा? माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस है। ठीक है बेटा, जैसे मैंने ये बताया आपको, 5 + 2 = 7, बिल्कुल बेटा -5 और -2 दोनों सेम है ना, प्लस करो 7 करो, साइन किसका लगेगा? माइनस का। और एक -5 + 2 है, तो ये दोनों डिफरेंट है, तो सब्ट्रैक्ट होगा, 5 में से 2 गए 3, और साइन किसका लगेगा? 5 का, क्योंकि 5 बड़ा है। -2 + 5 दोनों डिफरेंट है, तो माइनस होगा, 5 - 2 = 3 हो गया, साइन किसका लगेगा? 5 का, क्योंकि 5 बड़ा है, तो पॉजिटिव साइन आएगा। सेम साइन, ऐड डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट एंड पुट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ये सारे क्वेश्चन किए आपने, समझ आ गए अच्छे से बेटा, रिवाइज करना अच्छे से। सो लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 1.1। बेटा एक्सरसाइज 1.1 यूनिट फर्स्ट की स्टार्ट हो गई है, और यूनिट 1.1 की एक्सरसाइज 1.1 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। सो अच्छे से रीड कीजिए, और रीड करने के बाद, समझ आने के बाद आप एक सेकंड में इस क्वेश्चन को कर दोगे, इट्स वेरी इजी। तो चलिए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। इसमें कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस के टेम्परेचर दिए हुए हैं, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या होगा, श्रीनगर का क्या होगा, और शिमला का क्या होगा, ये सब गिवन है, ऊटी बेंगलुरु एटसेट्रा एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट।
तो ठीक है बेटा, हमें पर्टिकुलर पर्सन, ये जो ये हैं प्लेसेस हैं, उनके टेम्परेचर हमें यहाँ पे मार्क करने हैं। तो बेटा देखो, आप यहाँ पे देखो, अच्छे से देखो, ठीक है बेटा। देखो ये जीरो है, यहाँ से जीरो है। जब इस साइड जाते हैं तो पॉजिटिव वाले आते हैं, और जब इस साइड जाते हैं तो नेगेटिव वाले आते हैं, पता है आपको। तो देखते हैं बेटा, देखो ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर, ये फाइव आ गया, ये सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू। क्लियर? तो बेटा यहाँ तक 22 आ गए। यहाँ पे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट। ठीक है बेटा, अभी सबका टेम्परेचर हमारे पास आ गया। बेटा जरा अगर मैं पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है? लाहौल स्पीति का एरो ये है ना, और ये एरो क्या दिखा रहा है? माइनस एट। लाहौल स्पीति का कितना है? माइनस एट। श्रीनगर, श्रीनगर का क्या दिखा रहा है बेटा? माइनस टू। श्रीनगर का क्या है? माइनस टू। शिमला का कितना है? फाइव। ठीक है, और ऊटी का कितना है? फोर्टीन। दिख रहा है ना, ऊटी का कितना है? फोर्टीन। और बैंगलुरु का कितना है? 22। लिख दोगे ना, अब तो अच्छे बच्चे बन गए। ओके सो सिंपल। ठीक है बेटा, तो चलते हैं जल्दी से, करते हैं राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट, द टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति। तो ऐसे अच्छे से हम लिख देंगे, द टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति पीटी इज ऐसे ही, द टेम्परेचर जो हमने मार्क किया है, जो हमें समझ आ गया वो वहां पे हम लिख देंगे, ऑफ श्रीनगर इज श्रीनगर, अच्छे से लिखना है, ठीक है, एन ए जी ए आर, श्रीनगर। ओके श्रीनगर इज श्रीनगर। तो बेटा लाहौल स्पीति हो गया, श्रीनगर हो गया, शिमला, द टेम्परेचर ऑफ शिमला ऑफ शिमला इज, और शिमला के बाद ऊटी और बेंगलुरु, द टेम्परेचर ऑफ ऊटी और द टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु, द टेम्परेचर। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है बेटा, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए, द टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु इज। तो बेटा टेम्परेचर सबके लिख देंगे जो भी हमारे पास है। लाहौल स्पीति का माइनस एट है, श्रीनगर का माइनस टू है। लाहौल स्पीति का माइनस एट डिग्री सेंटीग्रेड या एट डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, ठीक है बेटा, ये माइनस टू डिग्री सेंटीग्रेड है। शिमला का फाइव डिग्री था, और ऊटी का फोर्टीन था, और बेंगलुरु का 22 था, 14 डिग्री और 22 डिग्री। ठीक है बेटा, क्लियर? ओके, तो ये हमारा आ गया टेम्परेचर का पहला क्वेश्चन, वन एक वन का ए पार्ट हो गया है। बेटा देखो, अगर टेम्परेचर जीरो से ज़्यादा होता है तो हॉटनेस होती है, और जीरो से कम होता है तो कोल्डनेस होती है। ठीक है बेटा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें गर्मी लगनी शुरू होगी। ठीक है बेटा, टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो क्या होती है? हॉटनेस होती है, और टेम्परेचर जब डिक्रीज होता है तो कोल्ड होता है। ठीक है बेटा, ये पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर किसका है? सबसे कम होता है माइनस एट, तो सबसे कम लाहौल स्पीति का है, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा श्रीनगर का है, फिर शिमला का है, फिर ओटी का है, फिर बैंगलुरु का है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर ए हैज बीन कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस? तो बेटा व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस? सो आपसे डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस पूछा है, कोई टेंशन नहीं है। पहली बात हमें क्या पता होना चाहिए कि पहली बात तो जो हॉटेस्ट प्लेस है उसका टेम्परेचर क्या होगा, फिर कोल्डेस्ट प्लेस का क्या होगा, और उन दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेंगे। तो बेटा देखते हैं जल्दी से, पहले हम हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर लिखेंगे। हॉटेस्ट प्लेस टेम्परेचर, बेटा सबसे हॉटेस्ट किसका होगा? जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा वो, उसका क्या नाम? उसका नाम है बेंगलुरु। ओके, इसका कितना है बेटा? 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो हॉटेस्ट प्लेस है क्योंकि इसका सबसे ज्यादा है। ओके, और कोल्डेस्ट प्लेस का, कोल्डेस्ट प्लेस जिसका सबसे कम होगा, किसका सबसे कम था? लाहौल स्पीति का। कोल्डेस्ट प्लेस टेम्परेचर
कितना है -8 डिग्री सेंटीग्रेड, -8 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो क्या है लाहौस्पिटी है, ठीक है ना बेटा, -80 था ना, यस लाहौस्पिटी। तो अभी हम डिफरेंस निकालेंगे बेटा, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटा घटा देते हैं हमेशा, बड़ा कौन सा है 22 डिग्री, ओके 22 माइनस, बेटा माइनस का मतलब डिफरेंस, माइनस का मीन्स डिफरेंस, बड़े में से छोटा घटाएंगे 22, अब डिफरेंस का मतलब माइनस, लेकिन क्या माइनस करना है 22 में से, -8 माइनस करना है, क्योंकि इसका टेम्परेचर -8 है, इसका 22 है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो करेंगे, डिफरेंस का मतलब माइनस, और ये -8 करना है, तो बेटा 22 माइनस माइनस पता है ना आपको, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है प्लस, आपको पता होना चाहिए कि जब भी सेम साइन की मल्टीप्लाई होती है तो हमेशा पॉजिटिव आता है, सेम साइन चाहे वो माइनस माइनस वाले हो या प्लस वाले हो तो पॉजिटिव आता है। सो माइनस माइनस प्लस 8, 20 प्लस 8 30 डिग्री, तो बेटा डिफरेंस क्या आ गया है, हॉटेस्ट प्लेस टेम्परेचर और कोल्डेस्ट प्लेस टेम्परेचर में 30 डिग्री आंसर आपका आ गया है, 30 डिग्री, क्लियर हुआ बेटा, फाइन। तो डिफरेंस ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौस्पिटी एंड श्रीनगर, बिल्कुल बहुत आसान है, तो हम क्या लिखेंगे, द टेम्परेचर ऑफ लाहौस्पिटी, लाहौस्पिटी का टेम्परेचर कितना है, -8, ओके -8 डिग्री सेंटीग्रेड, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर ये कितना है बेटा, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके सो करते हैं इसको, डिफरेंस निकालते हैं बेटा, ओके डिफरेंस बेटा देखो, डिफरेंस के लिए मैंने आपको क्या बताया है अभी, डिफरेंस के लिए मैंने आपको बताया हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाला घटाते हैं जब भी डिफरेंस की बात आए, ठीक है बेटा, जब भी डिफरेंस की बात आए तो बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करते हैं। अभी आप ये बताओ इसमें बड़ा कौन सा है, इतना तो बता ही सकते हो ना, इतने तो इंटेलिजेंट बच्चे हो गए कि बड़ा कौन सा है, बड़ा है -2, बेटा -2 बड़ा होता है या -8 बड़ा होता है, -2 बड़ा होता है, बड़े वाले में से छोटे वाला घटाएंगे, तो -2 में से क्या माइनस करेंगे, -8 को माइनस करेंगे, ठीक है बेटा, सो -2 माइनस माइनस प्लस। अभी मैंने आपको इंटीजर के बारे में नहीं बताया कि इंटीजर का कैसे होता है, डिफरेंट साइन है ना, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, 8 - 2 = 6 होगा, ठीक है बेटा, और प्लस का साइन आएगा, तो डिफरेंस कितना आया 6 डिग्री सेंटीग्रेड, डिफरेंस कितना आया 6 डिग्री सेंटीग्रेड, अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से नोट करेंगे, तो सी पार्ट भी फिनिश हो गया, 6 डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंस आया, ओके डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटे वाले को बोलते हैं, ठीक है बेटा, छोटे वाले को जब माइनस करते हैं। कैन वी से दैट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, बेटा श्रीनगर के और शिमला के टेम्परेचर को एक साथ लेना है, उसके बाद बताना है, इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, अगर हम श्रीनगर के टेम्परेचर को और शिमला के टेम्परेचर को एक साथ लें और फिर हम उससे बताएंगे कि वो टेम्परेचर क्या शिमला से कम है, शिमला के टेम्परेचर से कम है, एंड इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, देखते हैं जो बोल रहा है वो करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। बेटा जी शिमला का टेम्परेचर कितना है, शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, श्रीनगर का है -2 डिग्री सेंटीग्रेड, आप देख लो चाहे तो, शिमला 5 डिग्री, ठीक है बेटा, और श्रीनगर -2 डिग्री, क्लियर, ओके सो शिमला का 5 डिग्री और श्रीनगर का -2 डिग्री। अब देखो बेटा इनका टोटल लेते हैं, अब उसने कहा टेकन टुगेदर, इनका टोटल लेते हैं, तो टोटल क्या होगा, ये तो शिमला का हो गया, ये श्रीनगर का हो गया, तो बेटा ये पता है आपको, तो क्या आएगा 3 डिग्री आ गया, टोटल कितना आ गया 3 डिग्री आ गया। अब बेटा टोटल तो इनका 3 डिग्री आ गया जब इनको दोनों को एक साथ टेकन टुगेदर लिया, ओके एक साथ लिया, सो वो बोल रहा है इज लेस देन टेम्परेचर एट शिमला, तो देखो बेटा क्या ये जो टोटल आया है ये शिमला के टेम्परेचर से कम है क्या, बेटा शिमले का कितना है 5 डिग्री और ये टोटल एक साथ जब हमने लिया तो इसका टोटल क्या है 3 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल बेटा शिमला के टेम्परेचर से तो कम है ना, क्योंकि शिमला का 5 है इसका 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, यस टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर, शिमला एंड श्रीनगर टेकन टुगेदर इज लेस देन शिमला, टेकन टुगेदर
इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, ठीक है बेटा, क्योंकि शिमला के टेम्परेचर से कम आया है वो, शिमला का 5 है और इनका दोनों का एक साथ आया है 3, तो बिल्कुल लेस देन है। अभी ये पूछा है, फर्स्ट हो गया, सेकंड पूछा इट इज ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर एट श्रीनगर। बेटा ये पूछा इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है? मतलब जो इन दोनों का एक साथ आया है 3 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है? बेटा श्रीनगर का कितना है -2 और इन दोनों का कितना है 3, तो क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है क्या? ये है 3 और वो है -2 श्रीनगर का, तो बेटा उससे तो बड़ा होगा, लेस देन थोड़ी होगा, ग्रेटर देन होगा। तो क्या आएगा आंसर? नो, बिल्कुल सेकंड का क्या आंसर आएगा? नो आएगा। ओके बेटा जी, क्लियर? आई होप इट इज क्लियर राइट नाउ। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हैज बीन फिनिश्ड राइट नाउ। सो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। बेटा ये नंबर लाइन दी हुई थी, इस पे कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस के टेम्परेचर लिखे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 1 ए का पार्ट था कि कुछ आप नंबर लाइन की हेल्प से इनके टेम्परेचर मार्क करो। तो हमने 0, 1, 2, 3 काउंटिंग करते गए और हमें सारे टेम्परेचर मिल गए हैं। शिमला का 5 आ गया है, ऊटी का 14 आ गया है, बेंगलुरु का 22 आ गया है, श्रीनगर का -2 और लाहौल स्पीति का -10। हमने वहीं पे पार्ट में यहाँ पे लिख के आंसर लिख दिए सारे। क्वेश्चन नंबर बी में पूछा था व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस। बेटा हॉटेस्ट प्लेस कितना है? बेंगलुरु 22, कोल्डेस्ट प्लेस कितना है? लाहौल स्पीति -8। इनका डिफरेंस के लिए बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं हमेशा। जैसे अगर पूछेंगे कि आपके भाई और आपके बड़े भाई की एज में कितना डिफरेंस है, तो आप क्या करोगे? अपने बड़े भाई की एज में से अपनी एज डिफरेंस कर दोगे। आपके बड़े भाई की एज सपोज करो 17, आपकी 13, तो 17 - 13 4 हो जाएगा। इसी तरह से सेम डिफरेंस कैसे निकालते हैं? बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करते हैं। सो बेटा यहाँ पे तो 22 में से क्या माइनस किया? -8 कर दिया। सो -30° डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति का था -8 और इसका था -2, तो बेटा बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, ठीक है। तो बड़ा कौन सा है? -8 - 2 में बड़ा कौन सा है? -2, तो ये 6° आ गया। क्लियर बेटा? ओके, एंड लास्ट जो था क्वेश्चन नंबर डी, उसमें लिखा था कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। अगर हम श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को एक साथ लेते हैं तो क्या वो शिमला के टेम्परेचर से थोड़ा कम होगा? देखते हैं बेटा। फिर हमने शिमला का टेम्परेचर लिखा, श्रीनगर का टेम्परेचर लिखा, उनका टोटल किया, उनका टोटल आया 3। क्या ये जो 3 है वो शिमला से कम है? बिल्कुल कम है, बिल्कुल सही है। तो यस, टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। सेकंड पार्ट पूछा है इट इज ऑल्सो लेस देन दैट टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है? बेटा ये तो 3 आया है इसका टोटल दोनों के एक साथ लेने पे। ओके, व्हेन वी टेक इट टुगेदर ऑफ टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, तो ये 3 आया है और श्रीनगर का कितना है? -2। बेटा ये तो ग्रेटर हो गया, लेकिन वो बोल रहा है इट इज ऑल्सो लेस देन नहीं है, तो ये तो गलत हो गया पॉइंट, क्योंकि वो तो ग्रेटर है। सही है बेटा? सो इट वॉज योर क्वेश्चन नंबर 1। ओके बेटा, सो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करना। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड कीप प्रिपेयरिंग, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी एंड जस्ट कीप प्रोग्रेसिंग इन योर लाइफ। हैव ए नाइस डे।